हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जिनके भी पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की जो पांचों यूनिट है उनमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट को आप लोगों के लिए मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ में उनके आंसर्स भी लेकर आया हूँ, जो इनको मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को और आंसर्स को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो क्वेश्चन है इनके मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, साथ में आपको इनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। पूरा आंसर रीड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मैंने वन शॉट रिवीजन करवा रखा है उसमें ये सारा कंटेंट आपको कवर करवा रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले एक बार वो देख लें, बाकी आप इन आंसर्स को अपने आप रीड करेंगे, आपको समझ में सारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट रोल हैज एचआर मैनेजर टू प्लान इन मॉडर्न इंडस्ट्री टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। सबसे पहले आपको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है मॉडर्न इंडस्ट्री में, जिससे वो कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है उसके ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव कर सके। तो ये आपको सबसे पहले ये बता दिया डिफाइन क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। उसके बाद रोल ऑफ एचआर मैनेजर बताना है, तो उसका पहला रोल होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड अलाइनमेंट का, फिर रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का रोल होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रोल होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट रोल होता है, चेंज मैनेजमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी का रोल होता है, और कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का रोल एचआर मैनेजर का होता है। तो किस किस तरीके से उसे ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, क्या उसको करना होता है, ये आपको इसके अंदर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का कंसेप्ट क्या है वो बताना है, ऑल्सो मेंशन सम ऑफ टेक्निक टू इम्प्रूविंग क्वालिटी, और वर्क लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वो स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया वर्क लाइफ क्वालिटी होती क्या है, ये किस चीज पर इम्फेसाइज करती है, मतलब किस चीज पर फोकस करती है। उसके बाद टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट करनी चाहिए, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड करना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करके रिवॉर्ड देना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव लेने चाहिए एम्प्लॉय के लिए, इंप्रूविंग वर्क एनवायरमेंट, वर्किंग एनवायरमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। आपके ये सारी स्टेप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनसाइजिंग इज प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डाउनसाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये तरीके का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जो हायर लेवल की जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लेते हैं, जिसके अंदर एक प्लान्ड एलिमिनेशन करा जाता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं उन्हें प्लान्ड तरीके से एलिमिनेट करा जाता है, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, उस चीज को डाउनसाइजिंग कहते हैं। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एचआर प्लानिंग प्रोसेस और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो बताने हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है, उनको मर्ज करा गया है, ठीक है। तो पहले आपको ये बताना है कि डाउनसाइजिंग होता क्या है, डाउनसाइजिंग का एम क्या होता है, उसके बाद फिर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको बताना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी को समझना होता है, फिर एचआर डिमांड को फोरकास्ट करना होता है, एचआर सप्लाई को फोरकास्ट करना होता है, मतलब हमारे पास कितने एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हमें कितनों की जरूरत है ये देखना होता है, हमें कितने मिल सकते हैं, फिर एचआर प्रोग्रामिंग करनी होती है, एचआर प्लान इंप्लीमेंटेशन करना होता है, और कंट्रोल एंड एवेल्युएशन करना होता है। ये आपके स्टेप होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज मोर कॉमन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक्सप्लेन करना है कि आप एग्री हैं या नहीं है। तो यस, इसका आंसर यस है, आप एग्री हैं कि यही चीज होती है। अब कैसे होती है वो आपको बताना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्कफोर्स होता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, रेगुलेटरी कंप्लायंस के बेसिस पर, और स्ट्रेटेजिक फोकस के बेसिस पर, ये सारी चीजें क्या होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होती है, इसलिए हमें वहां पर एचआर को मैनेज करने की और प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन प्रोसीजर। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल मतलब लोगों का सही से सिलेक्शन करने का क्या मतलब होता है, और क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट करनी होती है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, अप्रूवल बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और हायरिंग डिसीजन लिया जाता है, और फिर आपकी प्लेसमेंट कर दी जाती है। अब प्रॉपर सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो प्रॉपर सिलेक्शन है वो क्यों जरूरी है, तो एनहांस परफॉर्मेंस बढ़ाता है, रिटेंशन करता है एम्प्लॉय की, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सही रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इज मेजर चैलेंज इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों की कमी हो रही है, इस चीज को आपको क्या करना है एज अ एचआर मैनेजर, व्हाट स्ट्रेटेजी यू वुड अडॉप्ट फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एचआर मैनेजर क्या क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करेंगे जिससे आपके जो एम्प्लॉई हैं वो आपको छोड़कर ना जाएं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे। तो देखिए सबसे पहले कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा बेनिफिट आपको देना होगा अपने एम्प्लॉई को। उसके बाद है करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी होगी, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, एम्फेसाइज करना पड़ेगा वर्क कल्चर और वैल्यू पर, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, उनकी परफॉर्मेंस के इनहांस रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, जो रिक्रूटमेंट करने की स्ट्रेटेजीज है उन्हें इनहांस करना पड़ेगा। साथ में एम्प्लॉय ब्रांडिंग पर फोकस करना पड़ेगा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब सभी डिसीजन में एम्प्लॉय को एंगेज रखना पड़ेगा, और प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सभी बैकग्राउंड के, सभी डाइवर्स बैकग्राउंड के रिलीजन के लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड, ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। डिस्कस इन डिटेल स्टेप टू बी फॉलोड टू डिजाइन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाता है, स्किल गैप एनालिसिस करा जाता है, एम्प्लॉई से फीडबैक ली जाती है, ऑब्जर्वेशन एंड जॉब एनालिसिस करा जाता है, कस्टमर फीडबैक ली जाती है, इंडस्ट्री चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करा जाता है, कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। तो सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कंडक्ट करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग के मेथड को सिलेक्ट करना पड़ता है, डेवलप कंटेंट एंड मटेरियल, फिर उसके अंदर के कंटेंट और मटेरियल को डेवलप करना होता है, ट्रेनिंग की डिलीवरी को डिजाइन करना होता है किस तरीके से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना होता है उसके अंदर, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मॉनिटर एंड इवेल्युएट करना पड़ता है, फॉलो अप एंड रीइंफोर्स करना पड़ता है लर्निंग के प्रोसेस को, और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करना होता है, और लास्ट में आता है आपका कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये आपके स्टेप होते हैं ट्रेनिंग के प्रोसेस के। ठीक है, मतलब एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने के। नेक्स्ट है डिफाइन टर्म जॉब एनालिसिस, हाउ इट डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है सबसे पहले आपको ये बताना है, फिर ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन से कैसे डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले ये आपको जॉब एनालिसिस के बारे में बता दिया, इसका क्या पर्पस होता है, इसकी डिफाइन क्या है, फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का बता दिया, इसके अंदर क्या क्या आता है वो बता दिया, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन की डिफाइन बता दिया, और इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है ये बता दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज एम्प्लॉय काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काउंसलिंग क्यों चाहिए होती है। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ काउंसलिंग यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद प्रॉब्लम, और कौन कौन से टाइप की एम्प्लॉय काउंसलिंग करी जाती है वो एक्सप्लेन करनी है। तो एम्प्लॉय काउंसलिंग किस लिए जरूरी है, सपोर्टिंग एम्प्लॉय वेलबींग, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए जरूरी है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, और चेंजेस को मैनेज करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए एम्प्लॉय काउंसलिंग जरूरी होती है। अब कौन कौन से तरीके की काउंसलिंग होती है, तो पर्सनल काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग होती है, परफॉर्मेंस काउंसलिंग होती है, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन काउंसलिंग होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग होती है। ये आपकी 5 तरीके की काउंसलिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है, इतना ही आपको आंसर लिखना होगा क्योंकि इतने 9 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा मोस्टली। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स, ट्रेडिशनल और मॉडर्न परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स बताने हैं और बार्स को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल कौन कौन से थे, रेटिंग स्केल होता था, चेकलिस्ट होती थी, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के मेथड होते थे। मॉडर्न परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल कौन कौन से हैं, 360 डिग्री फीडबैक, कंटीन्यूअस फीडबैक एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है आपका बार्स, बार्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है, उसके क्या क्या आपके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं बार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और रोल प्लेइंग में क्या डिफरेंस है ये बताना है, हाउ रोल प्लेइंग यूजफुल इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन प्रेजेंट एरा, और आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन वाली इंडस्ट्रीज में रोल प्लेइंग का क्या रोल है, एक तरीके से ये किस तरीके से यूजफुल है। तो सबसे पहले आपको ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, इसके फीचर्स बता दिए। ठीक है, फिर आपको रोल प्लेइंग का एक्सप्लेन कर दिया, इसके क्या फीचर्स होते हैं ये बता दिए। ठीक है, और फिर लास्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि रोल प्लेइंग का क्या यूजफुलनेस है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के एरा में, तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, अडेप्टिबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लीडरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन में हेल्प करता है, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाई इज एमबीओ कंसीडर्ड एज बेटर मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है वो एक अच्छा मेथड क्यों माना जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, और उसकी क्या लिमिटेशन होती है ये बतानी है।
तो सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक्सप्लेन करा इसकी क्या डिफाइन होती है, इसका पर्पस क्या होता है। उसके बाद एमबीओ को एक बेटर मेथड क्यों माना जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो बता दिया आपको एमबीओ के बारे में पॉइंट। फिर एमबीओ की क्या क्या लिमिटेशन होती है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओवर एम्फेसाइज करता है क्वांटिफाइबल गोल्स को, चैलेंज देता है गोल सेटिंग में, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, और पोटेंशियल होता है गोल डिस्प्लेसमेंट का, मतलब इससे गोल्स डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉई हेल्थ। एक एम्प्लॉई की हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन को केयर क्यों करनी चाहिए, और व्हाट प्रोविजन कैन बी मेड टू इंश्योर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई। और एक एम्प्लॉई की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, मतलब उसकी अच्छी हेल्थ बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या प्रोविजन बना सकती है। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है एम्प्लॉई की हेल्थ का ध्यान रखने की, तो एम्प्लॉई वेलबींग होता है, रिड्यूस होती है हेल्थ केयर कॉस्ट, रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट रहता है, सेफ्टी एंड कंप्लायंस हो जाते हैं, और प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बनी रहती है। ये तो इंपॉर्टेंस हो गई। फिर प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती हैं, तो वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम बनाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट करनी चाहिए, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करवाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इंसेंटिव प्लान में क्या डिफरेंस होता है, तीनों की आपको डिफाइन बता देनी है बस, इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है व्हाई डज ग्रीवेंस अराइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवेंस क्यों अराइज होती है। फिर व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय के लिए स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज ली जाती हैं। तो एक ग्रीवेंस किस लिए अराइज होती है ये बताया आपको, वायलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म, जब एम्प्लॉयमेंट टर्म को वायलेट करते हैं तब ग्रीवेंस अराइज होती है, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है तब, वर्क एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू होता है, इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट हो जाता है, या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाता है, तीन सारी वजहों की वजह से ग्रीवेंस अराइज होती है। फिर क्या क्या स्ट्रेटजीज ली जाती हैं स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरमेंट के लिए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फेयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस के इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए, इनकी वजह से स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट रहता है। फिर सेवरल फ्रिंज बेनिफिट आर ऑफर्ड टू एग्जीक्यूटिव टू मोटिवेट देम एंड रिटेन देम टू एंटरप्राइज, एग्जीक्यूटिव्स को रिटेन करने के लिए मोटिवेट करने के लिए कई सारे फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले फ्रिंज बेनिफिट बताना होगा क्या होता है, फिर उसके क्या क्या फायदे होते हैं, फिर आपको बताया कि कौन कौन से टाइप के फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव हेल्थ प्रोग्राम हो गया, पेंशन प्लान हो गया, स्टॉक ऑप्शन एंड इक्विटी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और फ्लेक्सिबल आवर हो गया, ये सारे आपके फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है, रिक्रूटमेंट में रिटेंशन रहता है, टॉप टैलेंट जो अच्छा टैलेंट रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहता है, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस बढ़ती है, इनहांस्ड होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, और अलाइनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको शॉर्ट नोट लिखना है एचआर ऑडिट के ऊपर, ईएचआरएम के ऊपर और एचआरआईएस के ऊपर। तो एचआर ऑडिट के बारे में ये आपको बता दिया, एचआर ऑडिट का पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस, इंप्रूविंग एचआर प्रैक्टिस, मैनेजिंग रिस्क एंड सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फिर आपका ईएचआरएम क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर दिया, ईएचआरएम के फीचर्स क्या क्या होते हैं ये आपको बता दिया, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्फ सर्विस प्रोटोकॉल, रिक्रूटमेंट एंड एप्लीकेंट, फिर आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग, इन सारी चीजों के ये इसके फीचर्स हो जाते हैं। फिर ये आपका नेक्स्ट है एचआरआईएस के बारे में, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया एचआरआईएस होता क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो एफिशिएंसी आती है, डेटा मैनेज होता है, डिसीजन में सपोर्ट करता है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। जितने भी पांचों यूनिट में थे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सारे आपको कवर करवा दिया, इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।